जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं शुभम तेवतिया सत्यम सिद्ध आश्रम से। आज हम यहाँ पर सत्यम सिद्ध आश्रम में मोहित जादौन जी और उनकी वाइफ के साथ हैं, और 19 अप्रैल को सत्यासमी मिशन की तरफ से जो पांचवा प्रेम पुण्य व्रत मनाया जाएगा उसी से रिलेटेड यहाँ पर इनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आपका नाम? मेरा नाम मोहित जादौन है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 10 मई 1998 को हुई थी। और आपकी वाइफ का नाम? उसका नाम वैसे तो सुमन था पर शादी के बाद हमने चालू कर दिया था। और माता पिता का नाम? माता पिता का नाम, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री तेजवीर सिंह और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी। आप रहते कहाँ पर हैं? यहीं बुलंदशहर में, आवास विकास कॉलोनी डीए रोड बुलंदशहर। और आपका व्यवसाय या नौकरी क्या है? मैं शहर में एम्प्लॉयड हूँ, मेरा अपना स्पेयर पार्ट्स का दुकान है। आपके कितने बच्चे हैं और उनके नाम और उम्र? मेरे पास 2 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी है करीब 18 साल की और उसका बेटा है 12 साल का। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 20 साल हो गए, हो जाएंगे 10 मई को। और आप जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी है हर साल मनाते हो या कभी कभी? कभी कभी। आपने मैरिज एनिवर्सरी पर भाभी जी को कभी गिफ्ट दिया? नहीं, कभी छोटे मोटे गिफ्ट जो फूल वगैरह दे दिए, वैसे कभी कोई गिफ्ट दिया नहीं है। आपको भाभी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात ये मेरे हर सुख दुख में, मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी है, सुख में होना और दुख में मेरे साथ खड़ी है। और सबसे बुरी बात जिसमें सुधार की ज़रूरत हो? सबसे बुरी बात इसकी लड़ती बहुत है लड़ती बहुत है ये। क्या आपने भाभी जी से कभी झूठ बोला है? हाँ अक्सर, पहले काफ़ी झूठ बोलता था मैं, लेकिन अब फिलहाल में मैं कोई झूठ नहीं बोला, पहले काफ़ी बोला था। और उस झूठ से कोई नुकसान हुआ? पता नहीं, कभी ध्यान भी नहीं दिया विषय पे कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ। आप भाभी जी के लिए डेली कितना समय निकालते हैं बातचीत के लिए? नहीं, समय का मेरे पास वैसे भी अभाव है, मैं रातों घर लेट आता हूँ। क्या आप भाभी जी की सेवा भी करते हैं? हाँ, जरूरत पड़ने पर, अगर वो बीमार है तो करनी, या घर में कुछ ज़्यादा काम है तो बिल्कुल करते हैं। और आप सास बहू के झगड़े कैसे सुलझाते हैं? उस मैटर में विषय बोलते नहीं हूँ, अपना सुलझाते रहो, मैं तो घर से बाहर निकल जाता हूँ। और क्या आपको भाभी जी से डर लगता है? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। पहले क्यों लगता था? क्योंकि पहले मैं कुछ हद तक मैं गलत था, अब मैं गलत नहीं हूँ इसलिए नहीं लगता। क्या आप भाभी जी की तारीफ करते हो या नहीं? नहीं। क्यों? कभी ऐसा मौका नहीं मिला, या कहें कि ऐसी सिचुएशन नहीं, अपने जो बातें होती हैं गृहस्थी के बारे में बातें होती हैं अपनी आपस में। और क्या आप भाभी जी को शॉपिंग के लिए रुपये देते हो? हाँ, जिस हिसाब से हमारी इनकम है उस हिसाब से जो भी मेरी जो भी घर में फिक्स है जो बंधा हुआ वो देता हूँ, अपने अपने घर के खर्च और शॉपिंग वगैरह भी उसी में करती रहती हैं अपनी। जब भाभी जी परेशान होती हैं तो आपको खुद पता चल जाता है या वो खुद ही बताती हैं? सही कहूँ तो पहले कभी पता नहीं होता था, लेकिन अब कुछ हद तक समझ सकता हूँ मैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ समझ जाता हूँ। क्या आप सुबह चाय पीते हैं? अब नहीं पीता, पहले पीता था। तो पहले जब पीते थे कभी आपने भाभी जी को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई? अक्सर। तो उन्हें कैसा लगता था, कुछ कहती थी वो? पता नहीं, ये तो सवाल आप उनसे कीजिए। आप भाभी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? सालू। और प्यार का इजहार साल में कितनी बार करते हो? साल में 2-4 बार। कब? किसी शुभ अवसर पर या कभी भी? मौका और जैसे मूड बनता है उसके अनुसार। और भाभी जी में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर की तरफ से बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे बच्चों के बारे में सब इन्हें देखना है, मुझे अपने व्यापार और जो आश्रम से जुड़ी हुई संबंध गतिविधियाँ उनके लिए बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ, मुझे घर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी घटना जब आपने मुसीबत में भाभी जी का साथ पाया हो? अक्सर मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार में अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, हर प्रॉब्लम से मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी रही और मुझे सपोर्ट दिया हर तरह से। और साथ पाकर कैसा लगता है? साथ पाकर तो सीधी सी बात अच्छा ही लगता है। क्या आप भाभी जी को कभी कहीं घुमाने लेकर गए? हाँ, शादी के बाद मनाली गए थे और एक बार वहाँ गए थे वैष्णो देवी शादी के बाद, और
वैसे उसके बाद कहीं नहीं गए। तो कैसा लगा वहाँ घूमकर? अच्छा लगा। कोई यादगार पल? सारे पल ही यादगार हैं उन दिनों के। तो आज भी अगर मैं चाहूँ तो पूरी फिल्म सी आंखों के सामने चल जाती है। तो क्या आप भाभी जी को मूवी दिखाने भी ले जाते हो? मूवी देखने नहीं गए, मूवी तो हमने एक या दो देखी हैं, LOC और दो 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 चार देशभक्ति पिक्चर देखी, मूवी नहीं देखी हमने। तो मूवी भी देखने का हमें ज़्यादा शौक नहीं है, ना ही कभी गए। क्या आपने भाभी जी को कभी होटल में डिनर कराया है? हाँ, कभी के सफ़र में रास्ते में किया होगा, वैसे कभी स्पेशली घर से हम डिनर करने चल रहे हैं नहीं गए। क्या आपने भाभी जी को कभी कुछ सरप्राइज़ दिया है? हाँ, सरप्राइज मैंने ऐसा दिया है, कई सरप्राइज दिए हैं। उनमें से एक कोई अच्छा सा? अब वही पल जो इनकी बहुत फेवरेट चीज़ थी वो मैंने इन्हें गिफ्ट दी थी। वो फेवरेट चीज़ क्या थी? हमारे इनके बीच में सीक्रेट है। भाभी जी की फेवरेट डिश कौन सी है? इनकी कोई फेवरेट डिश नहीं है, दाल साथ दाल रोटी में खुश रहती हैं, और अपने ऐसा कोई फेवरेट डिश है नहीं इनकी, दाल रोटी ही खाती है। तो आपने क्या इन्हें कभी दाल रोटी अपने हाथ से बनाकर खिलाई है? नहीं, मुझे आती नहीं बनानी। आपने सीखने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, महसूस नहीं हुई। अच्छा, जैसे कभी कभी सब्ज़ी में तेज नमक हो जाता है, तो उस घटना को कैसे डील करते हो आप? काफ़ी गुस्सा दिखा के। फिर भाभी जी कुछ नहीं कहती? नहीं, कभी कहती है कभी नहीं कहती, दोनों ही बात हैं। थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो हर गृहस्थ में होता है, थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है। तो आपकी एवरेज कितने दिनों में लड़ाई हो जाती है? देखो, लड़ाई का कोई एवरेज नहीं होता, ये तो एक वो होते ही संभावना है, कभी बन जाती है हफ्ते में एक दो बार भी, कभी सालों नहीं बनती। तो जब आपकी गलती होती है तो आप स्वीकारते हो या नहीं? पहले नहीं स्वीकारता था अपनी गलती को, अब मैं स्वीकारता हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ। तो आप पहले और अब मैं ये जो व्यवहार में बदलाव आया, किस कारण आया? सही कहूँ तो बहुत सारी वजह हैं। अक्सर गुरु साहिब ने बैठ के उन्होंने समझाया प्रेम क्या है और किस तरह दर्शाना चाहिए, अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, कैसे आप दिखा सकते हो। खाली आई लव यू बोल देना प्रेम नहीं है, प्रेम है आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो और उसे क्या देना चाहते हो, ये प्रेम है। आपने भाभी जी के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए? जो नॉर्मली एक पति अपने पत्नी कर सकता है वो सभी सेक्रीफाइस किए मैंने, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी कुछ किए हों। बाकी मैं उन्हें कोई एहसान नहीं मानता इस पर किसी पर, इसलिए मैं उन्हें बातों को याद भी रखता, मैं भूल चुका हूँ। और जैसे जैसे शादी, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया और आपकी एज बढ़ रही है, तो एज के साथ प्यार बढ़ रहा है कि नहीं? बोलते तो ऐसा आकर जब आदमी बुढ़ापा आता है तो पत्नी से प्रेम हो जाता है, हो सकता है मुझे बुढ़ापा आ गया हो। हाँ, यस, बढ़ रहा है। आपने कितनी बार प्रेम पूर्णिमा व्रत मनाया? वैसे तो पाँचवा है, लेकिन मेरा चौथा है, क्योंकि जब ये चौथा प्रेम पूर्णिमा व्रत था उस समय मम्मी दिल्ली एडमिट थी, तो उस बारे में व्रत नहीं मना पाया था। मैं दिल्ली था मम्मी के पास, वो हॉस्पिटल में थी, और उसके कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो प्रेम पूर्णिमा व्रत क्या सबको मनाना चाहिए? हाँ, मेरा मानना है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है उसे प्रेम पूर्णिमा व्रत अवश्य मनाना चाहिए। प्रेम पूर्णिमा व्रत की शुरुआत स्वामी सत्येंद्र जी और सत साहिब ने 2015 में इस शुरुआत की करवाई थी। उन्होंने बताया था कि प्रेम पूर्णिमा व्रत है, लोग आप भूल चुके थे इसे, उन्होंने बताया था, उसके बाद हम सब इसे मनाते आ रहे हैं। और खाली भूखा रहना मकसद नहीं है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करना, अपने पार्टनर के बारे में सोचना, और आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति हम कर रहे हैं, हर चीज़ की उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हमारे अंदर नहीं हो रही, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने बताया था। और शुरुआत में बहुत कम लोग थे, धीरे धीरे आगे बढ़ के कारण बढ़ता गया, और अब काफ़ी लोग हम व्रत को मना रहे हैं, काफ़ी शहरों में मन रहे हैं, और अब तो हमारे स्टेट से बाहर भी जा रहा है, कई स्टेटों में मनना, महाराष्ट्र वगैरह MP में भी जा रहा है, वहाँ भी रखा जा रहा है व्रत, और एक समय ऐसा आएगा ये व्रत सारी दुनिया में मनाया जाएगा। आप हर बार प्रेम पुण्य व्रत पर कुछ संकल्प लेते हो या नहीं? नहीं, पहले कभी संकल्प नहीं लिया, लेकिन आपके संकल्प है पर मेरा कि मुझे
अपने आप को प्रूफ करना है प्रेम के मामले में कि मैं प्रेम करता हूँ, ये मुझे अपने व्यवहार से अपने चरित्र से दिखाना है। आप शादी को कैसे देखते हो, समझौते की तरह या प्रेम की तरह? शादी एक समझौता नहीं है और प्रेम तो बाद में होता है, उस समय शादी होती है उससे प्रेम नहीं होता, प्रेम तो बाद में सब साथ रहते हैं जब बढ़ता है, लेकिन बाकी शादी एक पवित्र रस्म है और लेकिन आज लोगों से मजाक बना रखा है। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं तो आप भाभी जी के लिए एक गाना गाएं। गाना नहीं गाऊंगा, एक लाइन गाऊंगा, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार, सातों जन्म भी तुझे करता रहूंगा प्यार। जी आपका नाम? मेरा नाम शालू जादू। अच्छा, और आपके माता पिता का नाम? मेरे पापा का नाम बहादुर सिंह, मम्मी का नाम श्रीमती बिमला देवी। आपकी शादी कब हुई थी? 10 मई 1998। आप कहाँ रहती हो? बुलंदशहर। आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी हर साल सेलिब्रेट करती हैं? नहीं जी, नहीं, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको मैरिज एनिवर्सरी पे आपके हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया? जरूरी नहीं हर बार दें, पर कभी कभी दे देते हैं कुछ भी। और आपके हस्बैंड की फेवरेट डिश क्या है, उन्हें खाने में क्या पसंद है? दाल मखनी। आप अपने पति को प्यार में क्या बुलाती हो? जादून साहब। आपको अपने पति की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सीधे सच्चे इंसान। और सबसे बुरी बात जिसमें सुधार की जरूरत हो? बिना सोचे समझे गुस्सा करना। तो अब पहले से कुछ बदलाव आया है या नहीं? हाँ आ रहा है धीरे धीरे, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप आ रहा है। और आप में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं या नहीं? हाँ होती हैं, वो तो हर घर में होती हैं। तो किस तरह से सुलझाते हो आप लड़ाई को? मैं गुस्सा करती हूँ जब मुझे लगता है कि ये गुस्सा हो रहे हैं तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो जब भी आपकी गलती होती है तो आप स्वीकारती हो या नहीं? हाँ मैं तो अक्सर ही स्वीकारती हूँ, मैं तो हमेशा से ही स्वीकारती हूँ। और शादी के पहले और बाद के व्यवहार में क्या अंतर आया आपके? कोई नहीं, खास नहीं। आप शादी को कैसे देखती हैं, प्रेम की तरह या समझौते की तरह? कोशिश तो प्रेम की तरह करती हूँ, बाकी समझौता लास्ट में है ही। आपने प्रेम पुण्या व्रत कितनी बार मनाया? 3 बार। जब आप दोनों में लड़ाई होती है तो पहले कौन बोलना शुरू करता? जी लड़ती मैं ही हूँ और बोलना भी मैं ही शुरू करती हूँ। और मोहित भैया के लिए कोई गाना गाना चाहेंगी? सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।